नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के डांस के। सड़क किनारे खड़े ट्रक ने ले ली युवक की जान, नाले में फिर बढ़ गई गंदगी, ट्रक चालक से लूटपाट का मामला आया सामने। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सड़क किनारे खड़े ट्रक ने ले ली युवक की जान। अलीपुर थाना क्षेत्र से रायफुली हाईवे रोड पर हाल ही में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें खड़े ट्रक के कारण युवक सागर पर्वती की जान चली गई। सागर पर्वत एफुल निवासी था, जिसमें एक ग्रिव टैक्स कंपनी में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत था। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह रात 8 बजे हाईवे से घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी के कारण उसकी आंखें चौंधाई गई और यह ठीक से सड़क पर दिखाई नहीं देने से उसके चलती उसकी बाइक सड़क पर खड़े ट्रक टकरा गई, जिस पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके वारदात पर मौत हो गई। यह हादसा उस हाईवे पर खड़े ट्रक की वजह से हुआ, जिसे सागर पर्वत की जाने के लिए पार कर रहा था। यह पहली बार नहीं है, किसी तरह से यह दुर्घटना हर बार होती रहती है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। नाले में फिर बड़ी गंदगी। वर्धा में शहर के नालों में हाल ही में फिर से गंदगी का मामला सामने आया है, जिसमें पानी का प्रभाव प्रभावित हो रहा है। नालों में गंदी और अवस्थीय कचरे के कारण पानी ठहरने लगा है, जो मच्छरों के प्रकोप का कारण बनता है। मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया और अन्य रोगों का खतरा बढ़ गया है, जिससे नागरिकों की स्वास्थ्य स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है। प्रशासन की ओर से नालों की नियमित सफाई और उचित प्रबंधन कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि इस समस्या का त्वरित विकास नहीं किया गया तो इससे गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। पानी के ठहर के चलते हुए मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा कर सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रक चालक से लूटपाट। पुलगावा ट्रक में ट्रक चालक से लूटपाट के संबंध में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों को मार गिरा है, जिसमें अमरावती निवासी ट्रक चालक मोहम्मद अजीम मोहम्मद हासम शेख की शिकायत के अनुसार फरियादी भंडारा से अमरावती की ओर अपने ट्रक से जा रहे थे, तब उस वर्धा पुलगावा रोड पर काठवा गांव के पास जो ट्रक रोक कर लघुशंका के लिए ट्रक से उतरा था। इस बीच 22 से 25 वर्षीय युवक वर्ग के ट्रक के कैबिन पर मार कर शुरू कर दिया। फरियादी और उसके साथ मौजूद व्यक्तियों को इस अज्ञात लोगों ने खेत में ले जाकर मारपीट शुरू कर दी। इसके पास से मोबाइल नगद 20,000 रुपए भी छीन लिए, जिसके चलते हुए ट्रक में 100 लीटर डीजल लूट लिया। कुछ मिला नहीं तो 34,800 रुपए की संपत्ति जब्त कर यहाँ से फरियाद हो गए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक शॉर्ट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते रहिए एमएनएस। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।